बड़ी खबर बांग्लादेश से है। मुश्किलों में है स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब पर हत्या का आरोप लग रहा है। बांग्लादेश की हिंसा में एक छात्र की हत्या का आरोप स्टार क्रिकेटर पर है। 5 अगस्त को फायरिंग में छात्र की मौत हो गई थी। स्टूडेंट के पिता ने ढाका में अब FIR भी दर्ज करा दी है, जिसके बाद मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शेख हसीना की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं शाकिब। अभी पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं शाकिब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के तौर पर भी शाकिब अल हसन ने जिम्मेदारी संभाली है। और अब बांग्लादेश में हुई हिंसा के चलते एक स्टूडेंट की हत्या का आरोप पिता ने ढाका में FIR दर्ज कराई है। दानिश रिजवी इस खबर को लेकर मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव मेरे साथ में जुड़ गए हैं। दानिश, अभी तक चर्चा होती थी शाकिब के खेल की, साथ ही साथ मंत्री की जिम्मेदारी की, लेकिन अब यहाँ स्टूडेंट की हत्या का गंभीर आरोप। इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, FIR में क्या आरोप है, और क्या शाकिब की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने आया कि हालांकि पाकिस्तान में वो खेल रहे हैं? जी हाँ, बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन के खिलाफ ढाका के पास एडाबाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक उन पर जो FIR में जो बात दर्ज की गई है उसमें उकसाने का आरोप लगा है कि 5 अगस्त को जो घटना हुई थी, जिस तरीके से वहाँ पर छात्रों ने आंदोलन किया था, उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग की गई, फायरिंग में उनकी हालत नाजुक थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया और 7 अगस्त को उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर रफीकुल इस्लाम नाम के शख्स ने शाकिब अल हसन के खिलाफ के साथ 147 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। और साथ ही साथ हैरत अब उसकी बात है कि उस वक्त शाकिब अल हसन बांग्लादेश में थे नहीं। 26 जुलाई से 9 अगस्त के बीच ग्लोबल T20 लीग चल रही थी कनाडा में, जहां पर वो शिरकत कर रहे थे, जहां पर वो खेल रहे थे। ऐसे में उन पर उकसाने का आरोप लगा है क्योंकि शेख हसीना सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी थे, लेकिन शेख हसीना के प्रधानमंत्री से हटने के बाद उनकी सांसद भी गई और मंत्री पद भी गया। जाहिर तौर पर शाकिब अल हसन का नाम आने के बाद क्रिकेट की दुनिया में एक चौंकाने वाला नाम है। एक क्रिकेट के अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर, शानदार हरफर मौरा खिलाड़ी हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप, चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, हर फॉर्मेट में उन्होंने बांग्लादेश की कप्तानी भी की है और बेहतरीन कप्तान रह चुके हैं। 50 से ज़्यादा वो टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 250 से ज़्यादा वनडे मैच खेल चुके हैं, तकरीबन 100-150 के आसपास वो T20 मैच भी खेल चुके हैं। ऐसे में शाकिब अल हसन का नाम आना हत्या के आरोप में क्रिकेट के चाहने वाले उनके फैंस के लिए एक चौंकाने वाली खबर हो सकती है। आपने कहा कि बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, मैदान पर जाते हैं तो कमाल कर देते हैं, इसीलिए पूर्व कप्तान के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, अभी पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ स्टूडेंट की हत्या का आरोप लगा है, चूँकि अब तो सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है, क्या जो मौजूदा अंतरिम सरकार है वहाँ से कोई वार पलटवार आया क्या? और जिस तरीके से शाकिब अल हसन को लेकर आपने कहा कि आरोप गंभीर हैं, तो क्या और भी कुछ ऐसे उस वक्त के मंत्री, जब शेख हसीना के वक्त में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली हो, और भी लोगों के नाम हैं या फिर अकेले शाकिब अल हसन का नाम? नहीं, शाकिब अल हसन के साथ 147 लोगों का नाम उसमें दर्ज किया गया है, उनमें शेख हसीना का भी नाम है, साथ ही साथ कई मंत्री का नाम है, कई एक्टर भी के नाम है, वकील भी हैं। ऐसे 147 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो शाकिब अल हसन क्योंकि एक जाना पहचाना नाम है क्रिकेट की दुनिया का, तो सबसे ज़्यादा उनका ही नाम चर्चा में चल रहा है। उसके बाद अगर देखें तो शेख हसीना का भी नाम है, कई मंत्री भी हैं, लेकिन शेख जिस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं, अब आरोप के खिलाफ फिलहाल वो अभी तो जब से सरकार वहाँ पर अध्यस्त हुई है, जब से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से वो फिलहाल बांग्लादेश के बाहर ही हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं और 30 अगस्त के दूसरा टेस्ट मैच भी खेलेंगे। अब दो टेस्ट मैच खेलने के बाद शाकिब अल क्या वापस बांग्लादेश जाएंगे या शेख हसीना की तरीके से किसी और मुल्क में जाने की शरण लेंगे? अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैसला लेते हैं शाकिब अल हसन, और क्या उनके करियर पर भी इसका कोई असर होगा क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं बांग्लादेश में देखते ही देखते हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। और यहाँ एक खबर जिसमें 147 आरोपियों का नाम, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में शाकिब अल हसन का नाम, क्योंकि जाना पहचाना चेहरा क्रिकेट की दुनिया से भी है।